श्री राम के निकले और नाम कांग्रेस का जुड़े तो भला बीजेपी कैसे चुप रह सकती है। प्रदेश बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तो कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर दी और कहा कि जिस तरह अरंडकांड में राक्षसों का वध हुआ था, उसी तरह चुनाव में कांग्रेस का वध होगा। रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्यकांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा, तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्यकांड के चार पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्यकांड में दो घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नौधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारिच सुबाहु त्रिसरा कबंद विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्यकांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। बीजेपी नेता कांग्रेस की तुलना राक्षस से कर रहे हैं तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के संचार प्रमुख ने बीजेपी और आरएसएस को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 साल तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की, लेकिन भूपेश बघेल राम काज कर रही है, राम वनगमन पथ बनवा रही है, रामायण महोत्सव करा रही है, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार भूपेश सरकार ने किया, यही बीजेपी की पीड़ा और राक्षसी प्रवृत्ति है। देखिए, अजय चंद्राकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वे राक्षसी प्रवृत्ति के संस्कार में पले बढ़े भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्कार राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर जैसे लोग उस भाव को उसके नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके अंदर की राक्षसी वृत्ति है। उनको तकलीफ हो रही है कि भूपेश बघेल राम काज क्यों कर रहे हैं। 15 साल तक उन्होंने राम के नाम पर राजनीति किया और भूपेश बघेल राम का काज कर रहे हैं, भगवान राम का वनगमन पथ बनवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय रामायण करवा रहे हैं, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। ये पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, यही उनकी राक्षसी वृत्ति। रामायण महोत्सव पर सियासी रण जारी है। बीजेपी ने अरण्यकांड की चर्चा निकाली है, कांग्रेस की तुलना राक्षस से की है। बीजेपी को भी कांग्रेस से ऐसा ही जवाब मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में राक्षस की एंट्री हो चुकी है और रामायण पर महाभारत जारी है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबोध हरितवाल जी और हमारे साथ हैं बीजेपी नेता केएस चौहान जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और आप दोनों को राम राम मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल से राम नाम की गूंज ही सुनाई देने वाली है। चर्चा की शुरुआत केएस चौहान आपसे करूंगा मैं। केएस चौहान जी, भगवान राम पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है, होता रहता है, देश प्रदेश में होती रहती है चर्चा भगवान राम के नाम की और सियासत भी, लेकिन कांग्रेस की तुलना राक्षस से कर देना क्या सही लगता है आपको? तो एक्चुअली क्या है कि अपनी अपनी बातों को समझने का फेर है, और दूसरी बात यह है कि अजय चंद्राकर जी ने क्या गलत बोला है, कुछ गलत नहीं बोला। राक्षसी प्रवृत्ति जो जाहिर की गई है, जो राम सीता हनुमान और वाल्मीकि को एफिडेविट दिया गया है कि ये काल्पनिक है, ये एफिडेविट दिया गया है। राम सेतु को तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इन्होंने, मतलब भरपूर प्रयास किया राम को काल्पनिक बताने की, भरपूर प्रयास किया इन्होंने। और उसके बाद इनके पिताश्री ये बोलते हैं कि बनिया ब्राह्मण और क्षत्रिय को टिकट हम नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं चलने देंगे। तो ये वर्गों का जो अलग अलग करना है, तो ये राक्षस प्रवृत्ति ही होती है। और अजय चंद्राकर जी ने बोला है कि रेल रोको मत जाने दो, इन्होंने क्या बोला है कि रेल रोको मत जाने दो, इन्होंने ऐसा बोला है कि अजय चंद्राकर जी ने ऐसा बोला है। तो अजय चंद्राकर जी ने क्या गलत बोला है? अजय चंद्राकर जी ने बोला है कि अरण्यकांड में नेगेटिविटी को हटाया गया था, 14,000 राक्षसों को हटाया गया था और जनता को उनसे मुक्त कराया गया था, तो उन्होंने क्या गलत बोला है? और अगर जो राक्षस प्रवृत्ति का है, क्या उसे खत्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक बार बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को स्थापित करने के लिए राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है
राजनीति में स्थापित होने के लिए धर्म का उपयोग करती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं हमारे प्रवक्ता से कि राममन पद्गमन का आप बात बोलते हो तो 2260 किलोमीटर का आपका राममन पद्गमन है और 75 आप लोगों ने ये पॉइंट दिए हुए हैं, 75 हम लोग चीजें बनाएंगे, उसमें से 9 चीजें जो प्रथम चरण में आपकी होने वाली है उस पर कितना काम हो गया है। सिर्फ आप नाम लेते हो, राम का काम नहीं करते हो। राम नाम लेना जरूरी नहीं है, राम का काम करना जरूरी है। चौहान साहब, चौहान साहब, आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक बात है, लेकिन राक्षस शब्द का इस्तेमाल कर देना आपको सही लगता है क्या? जो शब्द का उन्होंने चयन किया है चंद्राकर जी ने, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है ये देखना जरूरी है। आप वादा करके आप वादा नहीं निभाते तो ये राक्षसी प्रवृत्ति ही है। आप सिर्फ अपने आप को देखेंगे तो ये राक्षसी प्रवृत्ति ही है। आप 2000 करोड़ का आप घोटाला करवाएंगे तो राक्षसी प्रवृत्ति है। आप 500 करोड़ का फिर से घोटाला करवाएंगे तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आप झूठ बोल के अपना मत अपने अपने पक्ष में करवाएंगे तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और ऐसे राक्षसों को जनता से मुक्ति देनी चाहिए, जो कि आज कितनी कितनी जनता परेशान है। आज भेंट मुलाकात करने के लिए जाना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी को, उनके घर में ही, उनके रायपुर में ही आके यहाँ पर लोग धरना देते हैं। आज भी पटवारी धरना दे रहे हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे, दूसरी बार धरना दे रहे हैं, सभी लोग धरना दे रहे हैं। आप राक्षसी प्रवृत्ति के काम ही कर रहे हो। ठीक ठीक है, ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। सुबोध जी को भी हम एड ऑन कर लेते हैं, ज्वाइन करा लेते हैं उनको भी डिबेट में। सुबोध जी सुन रहे होंगे के एस चौहान जी को, आप उनका कहना है कि कोई कुछ गलत बात नहीं कही है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने। देखिए अजय चंद्राकर जी हो चाहे के एस चौहान जी जैसे लोग हो, ये सब न्यूसेंस वैल्यू रखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में। जो इन्होंने बात की, जहां एक तरफ जब हम हनुमान जी की बात कर रहे थे कर्नाटक में, ये लोग बजरंग दल से हनुमान जी की तुलना करते हुए राजनीतिक व्यवस्था फैलाना चाह रहे थे, पर प्रभु श्री राम और हनुमान ने आशीर्वाद कर्नाटक में कांग्रेस को दिया। वहीं जहां हम आज छत्तीसगढ़ में चुनावी साल आज आ गया है और इन लोगों की बुद्धि फिर चुकी है। मैं आपको 5 साल पीछे लेके चलता हूं सुमित जी। 5 साल पहले इसी मई जून में डॉक्टर रमन सिंह रायगढ़ गए थे और उन्होंने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति दिखाते हुए कहा था कि 1 साल कमीशन, ये साल बस कमीशन लेना छोड़ दो दोस्त, सरकार वापस आ जाएगी और उसी चुनावी साल में हम राजनीतिक वायदे और कमीशन बाजी की बात ना करते हुए हम वहां पर रामायण, उसी रायगढ़ में पवित्र रामायण का पाठ करवा रहे हैं। चलिए माता शबरी का वर्णन हो, चाहे दंतकारण्य में प्रवेश का वर्णन हो, जहां सबसे लंबा समय प्रभु श्री राम ने बिताया, सबसे पावन कांड कहा जाता है, पंचवटी में उनका जो वास हुआ वो अरण्य कांड में हुआ, सुग्रीव से वो अरण्य कांड में मिले, तो ये जो सारी घटनाएं थी, अत्रि ऋषि जो थे उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पत्नी व्रत का, सीता जी को पत्नी व्रत का धर्म इसमें अरण्य कांड में सिखाया, शरभंग मुनि से भेंट अरण्य कांड में हुई, तो इन सब बातों के बाद मतलब शरभंग मुनि जो थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन का इंतजार कर रहे थे और उस दर्शन के बाद उन्हें ब्रह्मलोक में स्थान मिला। तो ऐसे अरण्य कांड को, पावन कांड को, ऐसे रामायण को, मैं तो रामायण को एक कांड में नहीं देखता सुमित जी, ना ये देश देखता है। हम रामायण को रामायण के तौर पर लेते हैं, प्रभु श्री राम की जीवन गाथा के तौर पर लेते हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जिस तरीके से रावण के वध किया, उस पूरे उनके जीवन काल की शुरुआत से। सुबोध जी सवाल ये भी खड़ा होता है, सुमित जी उनकी बकवास आपने सुनी बहुत सारी, मेरी भी सुननी पड़ेगी बातें आपको। उन्होंने क्या फालतू बातें की, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, आप समझिए, आप समझिए बात को। राजनीति में और छत्तीसगढ़ की राजनीति में न्यूसेंस वैल्यू है। मैं इससे पहले भी एक निजी चैनल पर इनको कह चुका हूँ कि ये लोग न्यूसेंस है। अच्छा सुबोध जी, मेरा इसी पर मेरा एक सवाल आपसे, जाने से पहले मैं जी कमीशनबाजी की बात नहीं करते, ठीक है, प्रभु श्री राम को कैसे स्थापित इस छत्तीसगढ़ में करना वो हमने, ठीक है सुबोध जी, मेरा सवाल एक आपसे ही है, मेरा एक सवाल ले लीजिए प्लीज सुबोध जी, पद को हमने बनाया प्लीज, हाँ ठीक है, बात करेंगे श्री राम की, ठीक है सुबोध जी, आप ठीक खाते श्री राम के नाम का, सुनिए तो दलाल चंदा खाते श्री राम के नाम का, सुनिए तो आप बताएंगे प्रभु श्री राम की भक्ति, ठीक है
ठीक है सुबोध जी, सुनिए तो आप प्लीज सुनिए मेरी बात, सुनिए आप बीजेपी से खुद को अलग बताते हैं, विचारधारा अलग बताते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस बीजेपी से अलग है, लेकिन अगर वो उधर से राक्षस शब्द का इस्तेमाल हुआ तो आपने भी तो बीजेपी आरएसएस को राक्षस कह दिया, तो आप में बीजेपी में क्या अंतर रह गया फिर? सर आजकल तो ऐसा है सुमित जी कि जैसी भाषा वैसा ही जवाब, अगर ये लोग लगातार आपके एक प्रतिष्ठित चैनल पर गंदी बातें करते जाएंगे तो यहां पर मैं गंदी बातें सुनने के लिए बैठा नहीं, पहली बात। भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और जनता जानती है, इन्होंने कोशिश की ना, बजरंग दल की तुलना हनुमान जी से की ना, इन्होंने कोशिश की, आज अरण्य कांड की तुलना ये लोग राक्षसों से करके भी कोशिश कर रहे हैं, वहां भी मुक्की खाए थे यहां भी मुक्की खाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है चौहान साहब, चौहान जी, जी जी जी, इनकी बकवास पूरी हो गई है, अब मैं अपनी चालू करता हूँ। अरण्य कांड में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, जो 14,000 लोगों का, 14,000 जो राक्षसों का वध किया गया था और जनता को मुक्ति दिलाई गई थी, वही तो मैं बोल रहा हूँ अच्छी बात है, नेगेटिविटी को हटाना, 14 बज गए, अब आप चुप रही है बहुत बकवास हो गया आपके लिए, अरे बकवास बंद करिए पहले, अरे पहले बकवास बंद करिए, आपको राक्षसों के वध से आपत्ति है क्या? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्रभु श्री राम के चरित्र के वर्णन से आपत्ति है आपकी जनता पार्टी को, प्रॉब्लम तो आपको है, भारतीय जनता पार्टी को रामायण के चारित्रिक वर्णन से आपत्ति है, सच सुनना नहीं चाहते क्या? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रामायण का चारित्रिक वर्णन वहाँ किया जाए, यही आपका चार चरित्र चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ पर रामायण का चारित्रिक वर्णन ना किया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वहाँ पर रामायण ना चलाया जाए? आप बीच बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी? सुबोध जी प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास, के एस चौहान जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं, सुबोध जी मैं दोबारा लौटूंगा, मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है चौहान साहब कंटिन्यू। जी जी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मैं बोलना चाहता हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी, कांग्रेस ने ये चुनाव नहीं जीता था, पैटर्न ने जीता था, पैटर्न ने उम्र को आप करके आओ, समझ में आई बात? और दूसरी बात, जो पहले आप बजरंग दल किसकी अनुयायी है? अरे बहुत कमजोर तो आप हो, कमजोर तो आप हो, तो बीच बीच में इसके बोल रहे हो, अरे यही तो बहुत, अरे होमवर्क आप करके आई, 136 आप होमवर्क करके आइए आप बकवास बंद करना बंद, ठीक चलो ठीक है ठीक है, बोलना चालू करता हूँ, बकवास बंद करिए तो आपकी बकवास का मैं जवाब दूँ। ठीक है चौहान साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस आप पर आरोप लगाती आई हमेशा से कि राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर आपने हमेशा से राजनीति की है और आप कहते हैं कि ये लोग करते हैं, तो अब मैं जानना चाहूंगा आपसे चौहान साहब कि अगर कोई दूसरा करे तो वोट बैंक के लिए और अगर आप करें तो आस्था के लिए, ऐसा क्यों होता है? सुमित जी सबसे मेन बात क्या है मन में, क्या फर्क है जी, कि राम के नाम पे राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, राम के काम पे करती है, काम पे मत बोलो जनता ऐसे की भाई, हाँ ये देखो बकवास जनता ऐसे की, फिर सुबोध जी मैं लौटूंगा ना आपके पास प्लीज, मैं लौटूंगा ना आपके पास, बीच में जो बोलता है वो बकवासी होती है, मैं लौटूंगा। जी जी चौहान साहब प्लीज, एक नारा चला था देश में, सीता माता रो रही है आरएसएस के नाम पर, सारा चंदा खा गए ये मेरे पति, सुबोध जी मैं लौटूंगा ना प्लीज, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी ना समझ में आएगी, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ सुबोध जी प्लीज, सुमित जी धर्म को यूज करते हो ना, ये एक दिन भगवा धारण करने के लिए कोई राम से रावण नहीं, रावण से राम नहीं बन जाता है, ये आप खुद ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा एक सवाल मेरा आप दोनों से है, जब सियासत में भगवान राम की बात होती है तो कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होता, यहाँ भी नहीं सुन रहे दोनों, सुबोध जी क्या कहेंगे? सुमित जी ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि क्योंकि भक्ति करने का अधिकार, सुमित जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इन्होंने कभी माना ही नहीं है, ये हिस्ट्री बोलती है, ये सिर्फ ये नहीं बोलते, संतों की यात्रा होती है,
तो इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि घाटा क्यों कर रहे हैं, और ये पूरे दूसरी बात यूपी में दंगे है, कराते हैं, गुजरात में दंगे कराते हैं, जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जनता पार्टी के दंगेबाजों की बात थोड़ी सुनेंगे, कब हो गए हैं दंगे आपको ये मालूम नहीं है, आप आज हम दंगे करवाते नहीं है, और बाहर जाके जो हमारे पर हमला करता है उसके ऊपर हमला करके आते हैं। ठीक है चौहान साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको। सुबोध जी मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी आप पर आरोप लगाती आई है कि अब कांग्रेस को समझ आ गया है कि भगवान राम के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अब कांग्रेस बढ़ चली है। सुबोध जी अब इनको समझ में आ गया है, अब इनको समझ में आ गया। चौहान साहब प्लीज मैं लौटूंगा ना, चौहान साहब प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं मैं, चौहान साहब मैं लौटूंगा आपके पास प्लीज। आज की बात नहीं है, प्रभु श्रीराम के मंदिर का ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी जी ने किया था, तो हमें नहीं लगता कि आज की ये कोई बात है। और रही बात प्रभु श्रीराम की छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ पर आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ पे आएंगे तो मैं चाहूंगा 2019 का जो भूपेश बघेल जी ने राम के जीवन की व्याख्या की थी वैसा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पिछले 15 साल में कर पाता तो शायद मैं मानता कि इन लोगों की भक्ति राम के प्रति है, या ये लोग वाकई में उन्हें अपने आराध्य के रूप में मानते हैं। सिर्फ आराध्य के रूप में मानना उचित नहीं होता, उनके उनको अपने अंदर आत्मसात करना होता है। पूरे छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़िया लोगों के मन में श्री राम है, हमें इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। माता कौशल्या के मंदिर को जब जीर्णोद्धार किया गया तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्यों? क्योंकि इनके 15 साल की गलती थी कि ये कभी वहां झांकने भी नहीं गए, हमने उसका जीर्णोद्धार किया, उसे विकसित किया ताकि छत्तीसगढ़ के लिए पूरे विश्व के लोग यहाँ है, पूरे विश्व में एक मंदिर है माता कौशल्या का। ठीक है सुबोध जी, इसका जवाब ले लेता हूँ मैं। सुमित जी हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, हमने उनके घर उनके मंदिर का उद्घाटन, ठीक है इसका जवाब ले लेते हैं चौहान जी से प्लीज, पद को बनाया तो मुझे इनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है सुबोध जी, किसी कांग्रेसी को ना छत्तीसगढ़, ठीक है इसका जवाब चौहान जी क्या कुछ कहेंगे, 15 साल में आप भगवान राम के लिए जो नहीं कर पाए वो 4 साल में कांग्रेस ने कर दिया, ये कहना है। सुमित जी हम सिर्फ कागजों में काम नहीं करते हैं, धरातल में काम करते हैं। जो हमने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया है अयोध्या में वो कागजों में नहीं था, वो धरातल में है। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कांग्रेसी प्रवक्ता से और सभी कांग्रेसियों से कि 2260 किलोमीटर का आपने लक्ष्य रखा था रामन पदकमन का, कितने किलोमीटर बना दिए सिर्फ आप ये मेरे को बता दीजिए। और 9 चरण में जो आपने पूरा स्थापित करने के लिए बोला था, पहले चरण में 9 स्थलों को स्थापित करने के लिए बोला था, कितने स्थापित कर लिए? सिर्फ कागज में है, धरातल में कितने हैं आपके? 22 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर में से कितनी किलोमीटर की रोड बन गई है बताइए, पूछिए। जो आप राम मन पद का मन बोलते रहते हो, अरे आपकी कथनी और करनी में इतनी ज्यादा फर्क है जिसका कोई, जब राजनीति में भगवान राम का नाम लिया जाता है तो सियासत उबाल मारती है, किस तरीके से उबाल मारती है वो टीवी डिबेट में हम देख सकते हैं। समय की बेहद कमी है मेरे पास, बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका, और के एस चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।